आउट ऑफ वेस्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ कोकोनट ट्री। उसके लिए मुझे चाहिए एक बोतल, स्केच, ग्रीन टेप, सीजर, चाकू और पेपर। फिर निशान लगाएंगे इस बोतल को काटने के लिए। तो मैंने यहाँ से और यहाँ से निशान लगा दिया और उसके बाद में हम इस बोतल को कट करेंगे। बोतल कट करने के बाद में कुछ इस तरीके से आ जाएगी जो हमने कट कर ली है। अब इसमें हम शेप्स बना लेंगे, पत्तियाँ काट के। मैंने एक पेपर से काट करके ये पत्तियां ले ली है। मुझे बड़ी पत्ती और छोटी पत्ती बनानी है कोकोनट ट्री बनाने के लिए। तो उसी शेप में हम ये पत्ती काटे, यहाँ पे शेप बना करके एक पत्ती काट लेंगे। पत्ती शेप में हमने काट लिया, ऐसे ही छोटी पत्ती का निशान लगा करके छोटी पत्ती काट लेंगे। फिर उसके बाद में हम जैसे कोकोनट ट्री की पत्तियां होती हैं उस तरीके से इसमें कटिंग करेंगे, उसी शेप में ऐसे मोड़ के। चाहे तो हम सिंगल भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन हम डबल इसलिए कर रहे हैं। पत्ती मोड़ के इसे हम कटिंग करेंगे। पत्तियां हमारी कटिंग करने के बाद कुछ इस तरीके से शेप में आएगी। इसको हम थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे, घुमावदार बना लेंगे, यानी अपनी ज़रूरत के हिसाब से 4-5 पत्तियां जैसे हमें चाहें वैसे बना लेंगे। ऐसे ही छोटी शेप में पत्तियां काट के इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। फिर हम रोल बनाएंगे, ट्री बनाने के लिए। ये हमने रोल बना लिया। उसके बाद ये इन पत्तियों को शेप दे करके अब इसको हम टेप से यहाँ पे चिपकाएंगे इस तरीके से। नीचे से शुरू करेंगे हम, क्योंकि नीचे बड़ा ऊपर छोटा है। इस तरीके से चलेंगे कोकोनट ट्री बनाने के लिए। कुछ इस तरीके से ये ट्री बनके तैयार होगा जो हमने इस तरीके से बनाया है। ऐसे ही अब इसके हम कोकोनट लगाएंगे। ऐसे ही पेपर से, टिश्यू पेपर लेकर के ऐसे छोटे छोटे रोल बना लेंगे कोकोनट बनाने के लिए। इस तरीके से रोल बना करके फिर हम उस पर टेप चिपका देंगे। इस तरीके से हमने ये ग्रीन टेप से और टिश्यू पेपर की हेल्प से ये कोकोनट बना लिए। अब ग्लू गम की हेल्प से ये कोकोनट लगा दूंगे, बने हुए कोकोनट। चलिए ले, कुछ हमारा ट्री इस तरीके से बनके तैयार हो जाएगा। ये हमने कोकोनट ट्री बनाया है, ये इसके कोकोनट्स बना दिए हैं थर्माकोल और ग्रे टेप की हेल्प से। इसी तरीके से मैंने एक ट्री और बनाया है, इसमें भी अगर हम चाहें तो कोकोनट ट्री लगा सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरा चैनल, मेरा ट्री बेस्ट इज़ आउट ऑफ वेस्ट, बेस्ट ईयर समझ में आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।